Hello, my dear students. Today we shall solve question number 2nd and question number 13 from IIT JAM paper MS 2024. Questions बहुत अच्छे हैं, logical हैं. आइए करते हैं. हाँ जी. Question 2nd ही है. शुरू का question है. आ जाओ बेटा. ये fxy दिया हुआ है. वो पूछ रहे हैं point of local maxima, point of local minima, saddle point क्या है क्या नहीं है. Typical question two variables है. तो सॉल्यूशन के लिए आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा. तो बेटा ये आ गया आपका 8x³. जब आपने इसको जीरो से इक्वेट किया क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए तो x इक्वल टू ज़ीरो. हाँ जी. जब y के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आएगा आपका -xy. अगेन जीरो से इक्वेट करेंगे इट विल गिव यू y इक्वल टू ज़ीरो. सो फ्रॉम दीज टू कंबाइनिंग दीज टू 0, 0 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट. तो मैक्सिमा मिनिमा सैडल इसी से आएगा. अच्छा जी. अब रूटीन में क्या करते हैं आप लोग, AC माइनस बी स्क्वायर करते हैं. छोड़ दीजिए, देखिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए. व्हाट इज fx₀? हाँ जी, fx₀ बेटा वो तो 2x₄ बन गया. एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 जब जब x नॉन जीरो होगा. नेगेटिव तो होगा नहीं कभी भी. इसी तरीके से व्हाट इज f₀y? हाँ जी, दिस इज -3y² और ये तो हमेशा नेगेटिव होगा जब जब y नॉन जीरो होगा. सो देयरफॉर fx₀ यानी x एक्सिस के ऊपर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 या f₀₀ लिख दीजिए 0 को, विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन f₀y व्हेनेवर x इज नॉन जीरो एंड y इज नॉन जीरो. यानी पूरा x एक्सिस और पूरा y एक्सिस आप देख रहे हैं उस पर क्या आएगा. तो बेटा ये पता लग रहा है f₀₀ यहाँ ज़्यादा हो रहा है इधर कम हो रहा है. यानी 0, 0 मैक्सिमा की तरह काम कर रहा है इधर और 0, 0 मिनिमा की तरह काम कर रहा है. यानी 0, 0 किसी भी तरह काम नहीं कर रहा. 0, 0 इज अ सैडल पॉइंट है ना, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. तो 0, 0 इज अ सैडल पॉइंट. तो इसमें आपका सी पार्ट करेक्ट है. अब क्वेश्चन नंबर 2 है तो सिंगल करेक्ट है, बाकियों को तो देखना नहीं है. अच्छा, अब मैं वो आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ जो आप लोग एग्जाम में करते हैं. बेटा ये पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के बाद AC माइनस बी स्क्वायर वाला काम. तो बेटा A के लिए fxx लिया होगा आपने, B के लिए यू हैव fxy एंड फॉर C इट इज fyy. सो fx का x में करेंगे तो यू विल गेट 24x², बट एट 0 इट इज़ 0. जब x को 0 पुट करेंगे अब तो 0 आएगा. अब A 0 है तो AC भी 0 है तो C तो निकलेगा नहीं. अब ज़रा B देख लीजिए. बी में एफ एक्स का वाई में करिए या एफ वाई का एक्स में करिए, एक ही बात है, 0 आएगा. लो भाई, ये तो हो गया बंटाधार. तो ए सी माइनस बी स्क्वायर बेटा ये तो 0 आ रहा है. जब ये 0 आता है तो आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम पहले ही कर चुके हैं. क्लियर हो गया आपको ये ऐसे ही किया होगा. क्वेश्चन बहुत अच्छा था, सॉल्यूशन बढ़िया लगा होगा तो अच्छे अच्छे कमेंट कर देना. सेटल पॉइंट, थैंक यू. नेक्स्ट जी, अगेन अ ट्रेमेंडस क्वेश्चन. लेट अस नॉट वेस्ट एनी काइंड ऑफ टाइम. फंक्शन दिया है 2 वेरिएबल का और वो पार्शियल डेरिवेटिव पूछ रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में. इन दोनों में से किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा और किस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, आइए जरा देखते हैं. व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव एट 0, 0 मेरे बेटा? सो इट इज लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच 0 माइनस एफ ऑफ 0, 0 डिवाइड बाई एच, विच इज लिमिट एच टेंस टू 0. लेट मी राइट फुली ये एफ एच 0 कैसे है पूरा लिख देते हैं. बेटा ये f₀+h है ना, नहीं तो तुम परेशान हो जाओगे. क्लासरूम में तो ऐसे ही होता है, जब फॉर्मूला पता होता है तो फटाफट लिख देते हैं. तो बेटा ये बन गया fh₀ माइनस f₀₀ डिवाइड बाय h. अब कोई भी बच्चा देख सकता है कि क्या आंसर आएगा. मेरे प्यारे प्यारे बेटा, x के प्लेस में h, y के प्लेस में 0, तो ये तो 0 बन गया. तो मॉडुलस में 0 प्लस h माइनस ये 0 है ही डिवाइड बाय h. तो बेटा ये h बाय h का लिमिट है, दैट इज़ 1. क्लियर हो गया आपको? तो 1 आ गया. अगर ये 1 आ गया तो ये जो लिखा है कि 0, 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये गलत. इसी तरीके से नीदर वाला भी गलत. अब a और c के लिए आपको 0, 1 पॉइंट पे भी चेक करना पड़ेगा. अच्छा कर लेते हैं, आइए. Consider fx at 0, 1. जैसे पहले किया था
आओ, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच वन माइनस एफ ऑफ जीरो वन डिवाइड बाई एच। हाँ जी, सारी वैल्यूज लिखी जा रही हैं, जरा साथ देंगे आप सभी लोग। यस, एफ एच वन, एक्स को एच रखो वाई को वन रखो, ये बन गया आपका मॉड में एच वन प्लस एच माइनस जीरो डिवाइड बाई एच। एक्स को जीरो वाई को वन पुट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो फंस गया काम, तो बेटा ये बन गया आपका मॉड एच प्लस एच डिवाइड बाई एच। तो इसको सेपरेट करके आप लिख सकते हो, ठीक है ना, इसके दो आंसर्स आएंगे। अगर एच जीरो को अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव साइड से, तो बेटा ये एच पॉजिटिव यानी मॉड एच की जगह आप एच लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा एच बाई एच, दैट मीन्स वन प्लस वन टू। इसी तरीके से अगर एच अप्रोच कर रहा है जीरो को नेगेटिव साइड से मेरे बेटा, तो ये माइनस एच हो जाएगा, माइनस एच बाई एच का मतलब माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन जीरो। अरे इसका तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा भाई, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट जीरो वन डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन था, सबने कर लिया होगा भाई। सॉल्यूशन ठीक लगा होगा तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।